मेषराज आपका मन छुट्टी मनाने का है, किंतु इस मूड के कारण जो जरूरी काम है उसे अनदेखा ना करें। काम को जितना टालेंगे उतना ही आप पर काम का भार बढ़ता जाएगा, जो कि भविष्य में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। रिश्तेदारों से मेल जोल बढ़ेगा। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में आज काम में मन नहीं लगेगा, किंतु आज लापरवाही ना करें। कुछ समय से चला आ रहे काम आज संपन्न हो सकता है। लव प्रियजनों के साथ आज बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा। हेल्थ स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। यदि किसी रोग से जूझ रहे हैं तो थोड़े और प्रयास करने की आवश्यकता है, जल्द ही रोग से निजात मिलेगा। वृषाज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। परिस्थिति में यदि कोई परेशानी बनी हुई है तो वह जल्द ही हल हो जाएगी। अपने मन में कोई नकारात्मक भाव न आने दें। काम में पूरा फोकस बनाए रखें। व्यवसाय के लिए आज का दिन बहुत लाभकारी रहेगा, इसका पूरा फायदा उठाएं। परिस्थिति में अपने आप को स्थिर बनाए रखें। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में अपने आसपास के वातावरण की नकारात्मकता के कारण निराश ना हो, अपने प्रयास में कोई कमी ना होने दें। लव आज रिश्तों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें, उचित समय का इंतजार करें। हेल्थ अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, नहीं तो बदलते मौसम में रोग परेशान करेंगे। मिथुन आज किसी नए व्यक्ति से मिलना हो सकता है, जो निजी एवं व्यवसायी रूप में आपकी सहायता करेगा। कुछ पुराने रिश्ते यदि दूर जा रहे हैं तो निराश ना हो, इसमें भी आपकी ही भलाई है। यदि किसी चीज को जकड़ के रखने का प्रयास करेंगे तो दर्द आपको ही होगा। अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयास करें। बदलाव जीवन का एक अहम हिस्सा है और यह आपके लिए भी हितकारी है। धन लाभ के अवसर बन रहे हैं। विदेश यात्रा होने के आसार हैं। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रोफेशन काम से संबंधित विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। ट्रांसफर हो सकता है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। लव रिश्तों में बदलाव के कारण मन में कुछ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किंतु यह बदलाव आपके हित में है। हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुराने रोग से जल्द ही निजात मिलेगा। किसी नई चिकित्सा पद्धति से लाभ होगा। कर्क आज का दिन सामान्य रहेगा। परिस्थिति अनुकूल रहेगी। पुराने किए हुए निवेश से धन लाभ के योग है। की हुई मेहनत फल लाएगी और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी। दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है, किंतु अपना नुकसान करके किसी और की सहायता ना करें। इससे किसी का भला नहीं होगा। मदद उसकी करें जो उसके योग्य हो। रिश्तों में आपके जीवन में कई खुशियां हैं, उन्हें संजोए। किसी रिश्तेदार या प्रियजन पर अपने आप को इतना न्योछावर ना करें कि वे आपका महत्व ही भूल जाएं। आज किसी नए रोमांटिक रिश्ते का आपके जीवन में आगमन हो सकता है। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में आपको प्रशंसा मिलेगी। साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो परेशानियां जल्द ही हल होंगी। आज आपकी सलाह किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अपने व्यवहार में नम्रता बनाए रखें। लव प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। रिश्तों में आज मधुरता बनी रहेगी। अविवाहितों के लिए आज कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका साथ देगा। अच्छी सेहत के लिए की गई मेहनत फल देगी। अपने खान पान और विचारों में संयम बरतें। सिंह आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए आज का दिन शुभ है। परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है, किंतु लापरवाही ना करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। आज दान अवश्य करें, किंतु ऐसे व्यक्ति को जिसे जरूरत हो। आपकी सलाह बहुतों के काम आएगी, इसलिए अपनी बात कहने से झिझक ना करें। प्रोफेशन बॉस आपके काम से खुश होंगे और आपकी सलाह की प्रशंसा होगी। सहकर्मियों के आज पूरा सहयोग मिलेगा। लव आपके जीवन में कोई नवयुवक स्वावलंबी बन रहा है और अपने जीवन में जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है। उसे पूरा सहयोग दें। आज परिवार में शांति के लिए कुछ दान अवश्य करें। हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
किंतु एक अच्छी दिनचर्या और उचित खान पान का पालन करना भी आवश्यक है, नहीं तो रोग ग्रसित हो सकते हैं। कन्या जी का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। प्रोफेशनल तौर पर आज कुछ परेशानी हो सकती है, परंतु निजी जीवन में आपकी भावनात्मकता के कारण आप किसी बड़े तनाव से बच सकते हैं। आज अपने आप के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें और अपनी देखभाल करें। जितना समय आप अपने आप को देंगे उतना ही शांत महसूस करेंगे। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में आज फोकस की कमी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के कारण डेडलाइन पूरी करने में कठिनाई हो सकती है। लव रिश्तों में अपनी भावुकता के कारण आपको दूसरों को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। निजी रिश्तों में कोई दिखावा ना करें। हेल्थ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिटेशन और आध्यात्मिक साधना के साथ साथ कोई शारीरिक व्यायाम जैसे योग भी अवश्य करें। तुला आपकी संवेदनशीलता आपके लिए और दूसरों के लिए भी एक वरदान है, क्योंकि इसकी मदद से आप दूसरों का समझ कर उन्हें अच्छे प्रकार से गाइड कर सकते हैं और आपकी सलाह से प्रसन्नता मिलती है। यदि किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो उसे आज माफ कर दें, इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। सामाजिक मेल जोल से कतराए नहीं, यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्रोफेशन यदि आज किसी से सख्ती बरतनी पड़े तो झिझक ना करें, यह भी आवश्यक है। लव आपका फैसला सबके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। हेल्थ अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति से लाभ होगा। अमावस्या के दिन किसी गरीब को खाना और पानी दान करें। वृश्चिक आज का दिन मन में दुविधाएं बनी रह सकती है। किसी निर्णय को लेकर परेशान ना हो, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलने तक का इंतजार करें। अपने मन की आवाज अवश्य सुने। आज अपने मूड स्विंग पर नियंत्रण रखें। आज भावनाओं की अधिकता रहेगी, जिस कारण आज लिया हुआ निर्णय गलत भी हो सकता है। अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें। अपने आत्मविश्वास में आज कमी ना होने दें। प्रोफेशन कार्य क्षेत्र में आज फोकस की कमी रहेगी। यदि नौकरी से जुड़े किसी मामले में दुविधा में हैं तो अपने सीनियर से सलाह करें। लव परिवार जनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। विवाह संबंधित कोई निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से जांच कर लें, पूरी जानकारी मिलने पर ही कोई निर्णय लेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम से आपकी सेहत में बहुत सुधार होगा। अल्टरनेटिव हीलिंग जैसे रिकी प्राणिक हीलिंग इत्यादि से आपको लाभ होगा। धनु आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी रहेगी, किंतु आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर बनी हुई है। किसी एक सपर्क से सलाह कर अपनी ऊर्जा उचित दिशा में लगाएंगे तो बहुत जल्द अच्छे फल मिलेंगे। सामाजिक मेल जोल बढ़ेगा जिससे लाभ होगा, किंतु इन सब में अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें। अपने लिए भी थोड़ा समय अवश्य निकालें। प्रोफेशन नौकरी की तलाश में है तो आज सफलता अवश्य मिलेगी। यदि नौकरी आपकी मन मर्जी की ना हो तो भी उस पर सोच विचार किए बिना उसे जाने ना दें। लव यदि अविवाहित हैं तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे भविष्य में अच्छे संबंध बन सकते हैं। हेल्थ यदि किसी रोग से परेशान हैं तो उसके लिए अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धति से लाभ मिलेगा। मकर आज थोड़ा समय अपने लिए अवश्य निकालें और अपने आने वाले जीवन की राह और लक्ष्य का निर्धारण करें। दैवीय कृपा से आपको बहुत कुछ मिला है। अपने कौशल से दूसरों का मार्गदर्शन करें। दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की आप क्षमता रखते हैं। अपने इस उत्तरदायित्व को निभाएं। जब तक इससे दूर भागते रहेंगे तब तक जीवन में असंतोष की भावना बनी रहेगी। प्रोफेशन आज काम में मन नहीं लगेगा, अपना फोकस बनाए रखें। यदि अपने काम से संतुष्ट नहीं है तो वह काम करिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो। लव परिजनों के साथ आज बाहर घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने प्रयास करते रहे। रिकी प्राणिक हीलिंग चक्र हीलिंग आदि चिकित्साओं से लाभ होगा। कुंभ आज का दिन फलदायी रहेगा।
आपके आइडियाज और प्लान्स जल्द ही लागू हो पाएंगे, जिस कारण आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। काम में आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसके चलते अपने परिवार और निजी जीवन की जिम्मेदारियों को अनदेखा ना करें, उनकी ओर भी ध्यान दें। किसी परिवारजन के साथ व्यापार करने का सोच रहे हैं तो अच्छा रहेगा। आज सामाजिक मेलजोल में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपके अच्छे घने संबंध बनेंगे। प्रोफेशन, आज काम में आपका फोकस बहुत सुंदर बना हुआ है। बॉस और सहकर्मियों से प्रशंसा मिलेगी, किंतु सफलता के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। लव, प्रियजनों के साथ आज थोड़ा समय अवश्य बिताएं, उनसे आपको पूरा सहयोग मिलेगा, उनकी जरूरतों को अनदेखा ना करें। हेल्थ, स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा, किसी व्यायाम आदि का नियमित रूप से पालन करें, इससे न केवल सेहत में सुधार होगा बल्कि मन में भी शांति रहेगी। मीन, आज का दिन कुछ कष्टदायक हो सकता है, हर परिस्थिति को लेन देन के नजरिए से ना देखें, आज धन हानि हो सकती है, इसके प्रति सचेत रहें, आज किसी प्रकार से दान अवश्य करें, गाय को पालक खिलाने से लाभ होगा। आपके जीवन में परिस्थिति इतनी बुरी नहीं जितना आप सोच रहे हैं, किसी और के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें, आपको एक अलग ही तस्वीर दिखेगी। प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में आज किसी बात से समझौता ना करें, वही करें जो आपको उचित लगता हो, धन लाभ के योग हैं। लव, प्रियजन से आज किसी बात पर अनबन हो सकती है जो कि गंभीर रूप धारण कर सकती है, अपनी सोच को कठोर ना होने दें, प्यार से मसले को सुलझाने का प्रयास करें, सहनशीलता की आवश्यकता है। हेल्थ, किसी की बात को दिल पर ना लें कि इससे आपके स्वास्थ्य की हानि हो।